नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्कूल में चपरासी की जॉब कैसे पाएं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी स्कूल में चपरासी बनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको स्कूल में चपरासी कौन होता है, चपरासी बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, चपरासी कैसे बनती हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, चपरासी की सैलरी कितनी होती है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्कूल में चपरासी का क्या काम होता है। दोस्तों, स्कूल में चपरासी का काम विद्यालय की साफ सफाई करने का होता है। इसके अलावा प्रार्थना की घंटी बजाना, प्रत्येक पीरियड के लिए घंटी बजाना, समय समय पर सभी को पानी पिलाना, विद्यालय की रक्षा करना, विद्यालय में लगे फूल और पौधे की साफ सफाई तथा पानी देना, ये सभी कार्य स्कूल चपरासी का होता है। तो अब आप जान गए कि स्कूल चपरासी का क्या काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं स्कूल चपरासी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, स्कूल चपरासी बनने के लिए कैंडिडेट कम से कम 5वीं या 8वीं क्लास पास होने चाहिए। कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर आप 8वीं क्लास पास हैं और आपकी एज 18 से 50 के बीच है तो आप स्कूल चपरासी बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्कूल चपरासी कैसे बनती हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, स्कूल में चपरासी बनने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। हर साल स्कूल चपरासी की वैकेंसी निकलता है, तो जब भी इसकी वैकेंसी निकलेगी आपको उसमें आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या नज़दीकी किसी दुकान में जाकर फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, 8वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड ईमेल आईडी। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ महीनों बाद आपको रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपके स्किल्स को देखा जाता है। इस स्किल टेस्ट में सफल होने वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाता है उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और अंत में सभी स्टेजेस को पूरा करने वाले कैंडिडेट की भर्ती कर ली जाती है और वो एक सरकारी स्कूल में चपरासी बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं स्कूल चपरासी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, स्कूल चपरासी की सैलरी आमतौर पर 20,000 से 45,000 के बीच होती है और जैसा कि यह एक सरकारी नौकरी है इसलिए इसमें सैलरी के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सरकारी स्कूल में चपरासी कैसे बनती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।